अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। इस कोर्स के अंदर अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल के अंदर और प्रैक्टिकल करके दिखाई है आप सब लोगों के सामने। स्टिल अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोगों की वेबसाइट अभी करेंटली प्राइवेट है। इसका मतलब यह है कि स्क्वेयरस्पेस ने आपको 14 डेज़ का ट्रायल दिया है। 14 डेज़ के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो नहीं चलेगी। आप लोगों को स्क्वेयरस्पेस को पे करना पड़ेगा पर मंथ, जिस तरह से आप बाकी CMS या वेबसाइट्स के लिए डोमेन होस्टिंग के लिए पे करते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एवरी मंथ इनको सम जो है अमाउंट को पे करनी पड़ेगी। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो आपका क्लाइंट अपने पेमेंट मेथड्स अटैच करेगा और वो आप लोगों को बाय करके देगा। आप लोगों ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को ही पर मंथ पे करना पड़ेगा। अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो, आपको जस्ट और जस्ट डिज़ाइन करके देना, बाकी सारी चीज़ें पर मंथ पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें आपका क्लाइंट ही देगा आप लोगों को। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, चलते हैं मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग पे कर सकते हैं स्क्वेयरस्पेस को, बिलिंग मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं स्क्वेयरस्पेस वेबसाइट के अंदर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँ और बिलिंग पे क्लिक करूँ, सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे बिलिंग के, ठीक है। और यहाँ पे देखें पेमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका क्लाइंट अपनी सारी पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा। आप लोगों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, या क्लाइंट से ले लें ये इन्फॉर्मेशन, यूजुअली वो देगा नहीं, आप ऐड कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपने वेबसाइट बनाया है, स्केड्यूल इन दोनों की बिलिंग आप लोगों को करनी है, तो सिंपल क्लिक करेंगे वेबसाइट और यहाँ पे क्लिक करेंगे अपग्रेड के ऊपर। अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लान नज़र आ जाएंगे कि पर मंथ आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, कौन से प्लान के अंदर, और उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। फ्री डोमेन आप लोगों को सब प्लान के साथ मिलेगी एक साल के लिए, और वो जो आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी और सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें कौन से प्लान के अंदर आप कितनी ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप यहाँ से प्लान चूज़ कर सकते हैं, या अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आप लोग अपग्रेड करेंगे अपने स्क्वेयरस्पेस के प्लान को, और ताकि आपकी वेबसाइट मंथली स्मूथली चलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।